नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पिछले 3 दिनों से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसे कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक रणनीति में बदलाव के रूप में भी देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2010-11 में देश की आर्थिक, सामाजिक और जातिगत गणना करवाई थी, लेकिन इसके डाटा को जारी नहीं किया गया था। अब कांग्रेस के राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक रैली में पिछड़े वर्ग, दलितों और आदिवासियों के विकास के लिए 3 बिंदुओं पर आधारित एजेंडा घोषित किया है और जिनकी जितनी संख्या भारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा भी दिया है। राहुल गांधी ने 2011 जातिगत जनगणना के डाटे को सार्वजनिक करने और आरक्षण में 50% की सीमा को समाप्त करने की मांग भी की है। राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग, दलितों और आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। जाति जनगणना आधारित आरक्षण की मांग सबसे पहले 1980 के दशक में कांसीराम ने की थी। इसके एक दिन बाद ही 17 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना कराने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। अपने पत्र में खड़गे ने कहा कि जातिगत जनगणना के डाटा के वैज्ञानिक वर्गीकरण से सरकार की कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा योजना को लागू करने में मदद मिलेगी। इससे पहले उदयपुर में मई 2022 में एक कांग्रेस के चिंतन शिविर में भी पार्टी नेताओं ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के जातिगत जनगणना की मांग करने के बाद उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के एक नेता ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, साथ ही यूपीए के शासन का उदाहरण देते हुए तर्क दिया है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं जातिगत जनगणना के खिलाफ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए भाजपा प्रवक्ता कहते हैं कि इस पर कोई माकूल जवाब अभी नहीं देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय कहता है कि नित्यानंद राय ने जुलाई 20, 2021 को लोकसभा में दिए जवाब में कहा है कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी SC और ST को ही जनगणना में शामिल किया गया है।